आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंस्टेंट बनने वाला हरी मिर्च का अचार की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। इस अचार को आप लंबे समय तक सालों साल सुरक्षित रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है और इसे आपको धूप में भी रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए हरी मिर्च का अचार बनाना शुरू करते हैं। आज जो मैं हरी मिर्च का अचार बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो हरी मिर्च ले ली है और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बड़े और मोटे साइज़ की हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो ये हरी मिर्च है ये हल्की सी तीखी होती हैं, तभी आज जो हम अचार बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो सबसे पहले हरी मिर्च को धो के और सूखा के तैयार करना होगा। तो ये देखिए जो हरी मिर्च है ये मेरी पूरी तरीके से सूखी हुई हैं और साथ ही मैंने इनके पीछे का डंठल भी निकाल दिया है, ताकि हम अपने हरी मिर्च का अचार को लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने हरी मिर्च को कट करके तैयार कर लेते हैं। तो जो बड़े साइज़ की हरी मिर्च है उसमें मैं 3 पीस कट कर लेती हूँ उसके, और जो छोटे साइज़ की हरी मिर्च है इस तरीके से हम इसके सिर्फ 2 ही पीस कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अचार मैं रख रही हूँ इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा छोटे पीस कट नहीं कर रही हूँ। और मिर्च को काटने के लिए मैं यहाँ पे कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके इस्तेमाल से हम बहुत ही आसानी से मिर्च को कट भी कर लेते हैं और हमारे हाथों में मिर्च भी नहीं लगती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप चाकू की जगह कैंची का इस्तेमाल करते हुए अपने अचार के लिए हरी मिर्च को कट करिएगा। तो इस तरीके से काटते हुए मैं सारी अपनी हरी मिर्चों को पहले कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सभी मिर्चों को काट के तैयार कर लिया है। अब हम 50 ग्राम के करीब लहसुन की कलियाँ ले लेंगे और 40 ग्राम अदरक ले लेंगे। दोनों को मैंने छील के धो के और सूखा लिया है, तो आप देख ही सकते हैं कि ये बिल्कुल सूखे हैं और पानी बिल्कुल भी नहीं है इनमें। और यहाँ पे अदरक की मात्रा को हम थोड़ा कम ही रखेंगे। अब हम मिक्सी का पॉट ले लेंगे और अदरक लहसुन को हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें इनको दरदरा पीस के तैयार करना है। और पीसते समय आप याद रखें कि पानी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम अदरक लहसुन का यूज़ अचार के लिए करेंगे। तो मैं इनको दरदरा पीस के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने अदरक लहसुन को दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लगभग 400 ml सरसों का तेल ले लिया है और इसे मैंने कढ़ाई में बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और जैसे ही ऑयल में से हीट आने लगे तभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और डाल देंगे इसमें 1.5 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे हमारे हरी मिर्च का अचार का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। 1 बड़ा चम्मच हींग, और उसके साथ ही हम इसमें अपनी पिसी हुई अदरक और लहसुन भी डाल देंगे। इससे हमारा जो ऑयल है उसमें अदरक लहसुन का फ्लेवर आ जाएगा और इससे हमारा जो हरी मिर्च का अचार है वो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और अब हम अपने ऑयल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा सरसों का तेल ठंडा होता है तब तक हम अपने थोड़े से खड़े मसाले भी रोस्ट कर लेते हैं। इन्हें हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। तो यहाँ पर मैंने 30 ग्राम के करीब जीरा ले लिया है, 30 ग्राम के करीब पीली वाली सरसों ले लेंगे, आप इसकी जगह काली वाली सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं, 20 ग्राम सौंफ ले लेंगे और 15 ग्राम मेथी दाना। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम अपने मसालों को रोस्ट कर लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। अब हम मिक्सी का पॉट ले लेंगे और हमने जो मसाले ड्राई रोस्ट करे थे इन्हें हम हल्का दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं पीसना है, हल्का सा हम इनको फाइन ही पीसेंगे, क्योंकि मिर्च के अचार में बहुत ज़्यादा दरदरे मसाले अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो मैं मसालों को पीस के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने मसाले को पीस के तैयार कर लिया है और आप देख ही सकते हैं कि जो मैंने मसाले पीसे हैं वो ना ही बहुत ज़्यादा फाइन हैं और ना ही बहुत ज़्यादा दरदरे हैं, हमें एकदम मीडियम ही रखने हैं। अब हम अपनी कटी हुई हरी मिर्चें ले लेंगे और सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे अपना पिसा हुआ मसाला। आज जो हम हरी मिर्च का अचार डाल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है, और इस अचार को आपको धूप में रखने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और अब हम इसमें अपना सरसों का तेल डाल देंगे और इसमें हमने जो भी मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था वो भी सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच सफ़ेद नमक ऐड कर देती हूँ, 2 बड़े चम्मच काला नमक ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और नमक को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, पर आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम अचार रखते हैं तो उसमें नमक की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं।
और अचार जब बन के तैयार हो जाता है तो नमक अपने आप बैलेंस में आ जाता है। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है मैंने, और अब मैंने यहाँ पे चार नींबू ले लिए हैं और नींबू का रस मैंने निकाल लिया है। इन्हें मैं अपने हरी मिर्च में ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने नींबू के रस का यूज़ इसलिए किया है ताकि हमारे हरी मिर्च हल्की सी खट्टी भी हो जाए और ताकि खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। अक्सर लोग खट्टेपन के लिए अचार में आमचूर का यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि खट्टेपन के लिए आप नींबू के रस का ही यूज़ करें। नींबू का रस एक तो हमारे अचार को खट्टापन भी देता है, साथ ही हमारे अचार को लंबे समय के लिए प्रिजर्व करने के लिए मदद भी करता है। तो आप यहाँ पर सिर्फ नींबू के रस का ही यूज़ करें, आमचूर का यूज़ बिल्कुल ना करें। और उसके साथ ही मैं इसमें एक बड़ा चम्मच वाइट विनेगर डाल देती हूँ। वैसे हमने इसमें नींबू के रस का यूज़ किया है तो विनेगर की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप अचार को काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें आप एक बड़ा चम्मच विनेगर का यूज़ ज़रूर करें, तभी आप उसे लंबे समय के लिए स्टोर कर सकती हैं। और आप देखिए हमारे जो हरी मिर्च का अचार है वो बन के तैयार है एकदम, और लगभग 2 से 3 दिन के बाद ये खाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और इस अचार को आपको धूप में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और आप इसे किसी भी क्लीन कंटेनर में फिल करके लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। पर याद रखें कि जब भी अचार निकालना हो तब आपकी जो चम्मच है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, तभी आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।